हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ट्राइडेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटेरियरेट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ट्राइडेंट इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ईयन, बाथ लिनन, बेड लिनन एंड वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर केमिकल्स एंड कैप्टिव पावर। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 19,033 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 24.6 की PE है, ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 23.4% है एंड लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 33%। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 10% है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.98% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1685 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1876 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1485 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 129 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 181 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 207 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंस ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड इसी रीजन की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड इसका मतलब है कि कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस की मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो रिड्यूस हो चुकी है। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है, ये भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है एंड ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की इनकम, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो जून 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 220 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 172 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है।
और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड अदर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो जून क्वार्टरली की ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है एंड जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म के गोल्स रख के पैसा लगाओ, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना एज ऑफ नाउ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है या तो फिर खुद के रिस्क पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। लेकिन कंपनी की जो जून क्वार्टरली की रिजल्ट आई है, जून क्वार्टरली जो रिजल्ट निकल के आई है वो देख के मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा एज ऑफ नाउ इस कंपनी से दूर रहो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 35 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। अगर इसके ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 26 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 35 रुपये। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली ब्रेकआउट के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 57 रुपीज़, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सॉरी फॉर दैट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 57 रुपीज़ की टारगेट निकल के आ रही है। एंड बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो ये भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।